उनको वहाँ पर कई जगहों पर छापे डाले गए हैं, कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। रोक के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रास्ते से, गोरखपुर के नहीं नेपाल के रास्ते से कभी कभी आ जाता है, जब बहुत सारे लोगों को तो कृपा हो जाती है लोगों की जगह जगह पर, तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। अब धन्यवाद, मेरी फ्लाइट 650,000 मीट्रिक टन फलों और सब्जियों का निर्यात विदेशों को हुआ है। यदि वो पैक हाउस काम नहीं करता तो कैसे हो जाता। हमारे राज्य के भीतर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धनराशि एक्सपोर्ट के माल जो है, जो एग्रो बेस्ड माल हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय 12-13 हज़ार करोड़ रुपए था। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना के बाद 42,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निर्यात जो है कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। तो आपने जो कहा इसी बनारस से हुआ है, यहीं की हवाई पट्टी से गई है तो कार्गो से गया है, तो कैसे आप इस आधार को कहते हैं। यहीं से नहीं, हम चेक करा, मैं बनारस से गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज प्रबंधन को लेकर आप चर्चा करते हैं, किसानों को जागरूक करने, किसानों को प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ग्राउंड पर जाके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। अभी कल ही तो मैं गया था, बिना बताया गया था। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? तो मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। हर किसान के पास देखिए, हम पूरे प्रदेश में हमारे पास लगभग 8,500 कर्मचारी और अधिकारी हैं, और प्रदेश के भीतर ग्राम सभाओं की संख्या 56,000 के करीब है। इसलिए हम कैलेंडर बना करके वर्ष भर की ये व्यवस्था बनाते हैं, मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से रबी के फसलों में और खरीफ के दो फसलों में दोनों के भीतर हम गांव के भीतर पाठशाला लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लगभग प्रदेश का सभी न्याय पंचायत उससे कवर हो जाए, और उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों के भीतर हिस्सेदारी बताई है। यदि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती, यदि उनको बेहतर बीज नहीं पहुंचते, तो हमारा उत्पादन कैसे 16,00,000 मीट्रिक टन बढ़ जाता। आज इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ जाती, गन्ना के क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके आज 29 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गए, जो उस समय उत्पादन होता था उससे 2 गुना से ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्टिविटी 250 मीट्रिक टन के 250 क्विंटल के करीब प्रति हेक्टेयर बढ़ गई। गेहूँ की प्रोडक्टिविटी 32 क्विंटल से बढ़ करके 39.5 क्विंटल पर पहुँच गई। यह कैसे हुआ है? ये उसी से हुआ है कि हमने समय पर उनको अच्छे बीज दिए हैं, उनको टेक्नोलॉजी जा करके हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बताई है, और हम लोगों ने समय पर उनको खाद बीज मुहैया कराई है, इसके कारण संभव हुआ है। और इतना ही नहीं, उनकी खरीदारी को सुनिश्चित भी किया है। हम लोगों की खरीदारी की वजह से आज बाजार भाव बहुत ऊपर की उठ चुका है, और खरीदारी इसीलिए MSP थी कि इंटरवेंशन करके किसान को क्रैश होने से रोका जाए, और उसको करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश भर में सफलता पाई। अब के भीतर इस बात को लिखिए कि ये समय आगे, ये समय है जब सरसों की खेती को बढ़ाया जा सकता है, ये समय है जब चना मटर मसूर को खेतों में लगाया जा सकता है। आप जितना चेतना लोगों में भरेंगे और ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे जब बढ़ेगा तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। तो मेट्रिक टन का 70,000 क्विंटल से ज़्यादा ना, हम पूरे प्रदेश का आपको बता देते हैं ना, अभी पूरे प्रदेश का बताते हैं। और DAP यहाँ पर जो है वो 4,154 मेट्रिक टन है, NPK 2374 मेट्रिक टन है, पोटास जो है 1,026 मेट्रिक टन है, वो फर्टिलाइजर का कारण है। 1,41,000 मेट्रिक टन हमारे पास यूरिया है, 13,41,000 मेट्रिक टन, 1,30,00,000 क्विंटल मतलब होता है 2,70,00,000 के करीब जो है वो बैग, शॉर्टेज कहीं नहीं है। DAP हमारे पास 3,46,000, NPK मेट्रिक टन, NPK 3,24,000, MOP 93 है, पोटास 93,000 मेट्रिक टन, SSP 2,55,000 मेट्रिक टन, जितना रासायनिक खाद है वो हमारे पास 23,59,000 मेट्रिक टन है, जिसमें यूरिया है 13,41,000 मेट्रिक टन, फास्फेटिक खाद है 10,18,000 मेट्रिक टन। लेकिन आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम किसान करें और प्राकृतिक खेती की ओर चलें। जो पराली जलाते हैं उसको खाद बना करके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। गोबर गौमूत्र से खेती को आगे की ओर बढ़ाएँ, जिससे जो बड़ी पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या,
गॉल ब्लैडर स्टोन, यदि उसको रोका जाना है तो रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना है, यह भी आप लोग जागरूक करेंगे। धन्यवाद। योगदान 25% से अधिक का है तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र का विशेष महत्व होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पोषित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले वर्षों के भीतर अपने खाद्यान्न उत्पादन को 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 660 लाख मीट्रिक टन किया है, जो अपने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इस पर MSP पर खरीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई और इस नाते राज्य का कृषि क्षेत्र का विकास दर 5% से बढ़ करके और 8% से ऊपर जा रहा है। वर्तमान जो प्रचलित दर है उसमें 24% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की जा रही है, जो एक अच्छा साइनिंग है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा किए जाने की दृष्टि से राज्य के भीतर 1 लाख 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर भी हम लोगों ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। अभी हमारा रबी का सीजन प्रारंभ हो रहा है, खरीफ की फसल खेतों में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कटाई शुरुआत हुई है, अभी बड़े पैमाने पर बाकी भी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी फसल को कटने में 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खरीफ के फसलों को क्रय किए जाने की दृष्टि से सम्यक उड़द और मूंग की, इनकी भी खरीदारी और मूंगफली की हम लोग राज्य के भीतर कर रहे हैं और विगत वर्षों में भी हमने उसको खरीदा है जिन क्षेत्रों के भीतर ये ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी हमारा रबी का सीजन चूँकि शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश में रबी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जिसके भीतर हम लोग लगभग 135 से लेकर के 137 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारा रबी की फसल लगाई जाती है और इस दृष्टि से एक हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण रबी अभियान होता है। 3 अक्टूबर जो आने वाला है उस दिन राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर रखा है और उसके भीतर रबी के अभियान की रणनीति किसान तक पहुंचाई जाएगी और साथ साथ में उनके सुझावों को लेकर के उनके कठिनाइयों का समाधान करके हम उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने इस दृष्टि से जो अभी व्यवस्था बना रखी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के भीतर 54 लाख कुंटल बीज किसान भाइयों को रबी के लिए सुलभ हो सके, जिसमें महत्वपूर्ण फसल हमारा गेहूं है 1,63,000 कुंटल, मसूर का 1,10,000 कुंटल, तोरिया और राई सरसों का और अलसी को मिलाकर के लगभग 60,000 कुंटल। तो फोकस ये है कि खाद्यान्न के साथ साथ हम तिलहन और दलहन के उत्पादन को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि इसमें से 9,94,000 किसान भाइयों को हम अपनी सरकार के संस्थाओं के माध्यम से कृषि विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफको, क्रिपको और यूपी एग्रो और राज्य बीज निगम के माध्यम से हम उनको 50% अनुदान पर फाउंडेशन और सत्यापित सीड उपलब्ध करवा सकेंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस बीच में हम इसके लिए किसान भाइयों को खास तौर पर दलहन और तिलहन की खेती कर सकें, इसके लिए हमने मिनी किट की भी व्यवस्था इसके भीतर किया है और जिसमें लगभग 9,53,000 की आसान हो जाए और कम परिश्रम और लागत से कम हो, इस नाते योगी जी की सरकार ने पिछले वर्षों में 1,30,800 कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं, जिस पर हम लोगों ने 1,484 करोड़ रुपए का अनुदान उनको हमने दिया है सब्सिडाइज रेट पर। फार्म मशीनरी बैंक में हम 80% का अनुदान देते हैं, जिसमें 15 लाख के ट्रैक्टर सहित
15 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर हम 80% का अनुदान देते हैं, यानी 12 लाख की सब्सिडी देते हैं। और इसी तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर 10 लाख के कृषि यंत्रों के ऊपर, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हो सकता है, 8,300 हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक का स्थापित किए हैं, उस पर भी हम अनुदान देते हैं। और एकल कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान देते हैं। तो इस साल जो हमारी योजना है 2024-25 की, उसके भीतर 300 करोड़ रुपया हमने कृषि यंत्रों के अनुदान के रूप में रखा है, और वो हमारी बुकिंग खासतौर पर फार्म मशीनरी बैंक की और कस्टम हायरिंग की शुरू हो गई थी, जिसका उन लोगों को टोकन दे करके, जो किसान भाई हैं उनको टोकन दे करके, और जिन लोगों ने खरीद लिया है उनको बिल अपलोड करके, उसमें से लगभग 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्चा भी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में इसी नवरात्र के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को नवरात्र की भेंट के रूप में हम कृषि यंत्रों को के पोर्टल को खोलने जा रहे हैं, और जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान यदि किसान भाई लेगा तो उसको विभिन्न यंत्रों पर, अलग अलग प्रकार के यंत्रों पर जिनकी कीमत अलग अलग है, लगभग 50% अनुदान से वह पोषित किया जाएगा। तो एक सरलता हो जाएगी किसान भाइयों को अपने खेती बाड़ी करने की दृष्टि से, और इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी नवरात्र के भीतर हम 35,000 कुसुम सोलर पंप खोल रहे हैं, जिससे 35,000 सोलर पंप के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर के भीतर वर्ष, और उसके ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार, यानी मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, दोनों मिलकर के 60% अनुदान दे रही है। 60% सरकार लगा रही है, 40% किसान का लगता है, और उससे वर्ष भर की सिंचाई उनको एश्योर्ड सिंचाई मिलती है। इस नाते मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो जब ये नवरात्र के सीजन में खुलता है, जो एक योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को रबी की फसल को देखते हुए और एक अनुपम भेंट दे रही है, तो उसका वो पूरा का पूरा फायदा उठाएं, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। हम लोगों ने, और मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देता हूं कि 5 अक्टूबर को इसी नवरात्र के भीतर रबी के खेती में किसान को संसाधन के लिए किसी के पास हाथ न पसारना पड़े, इस नाते महाराष्ट्र से वो पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, जिसका फायदा 10 करोड़ किसानों को तुरंत इसी अक्टूबर महीने में मिलेगा, और 20,000 करोड़ रुपया उनके खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले किसान उत्तर प्रदेश के होंगे, हमारी संख्या लगभग 2,20,00,000 के करीब पहुँचेगी। तो यह योजना का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन किए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने लगाए हैं, जैसा मैंने बताया कि 60% अनुदान पर, और अभी जब 35,000 और खोलेंगे तो यह संख्या बढ़ करके 1,00,000 से ऊपर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 के चुनाव संकल्प पत्र में इस बात को रखा था कि हम किसानों को 1,00,000 सोलर पंप अनुदान पर देंगे, तो उस दृष्टि से यह हम लोगों का एक बेहतर प्रयास हुआ है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले के भीतर होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि उन ज़िलों के किसान के भीतर ये इंटरवेंशन करके हम उनके लिए व्यवस्थित प्रयास करेंगे, और इस योजना से लगभग 6,93,000 किसान लाभान्वित होंगे, और 24,125 कुंटल हम निशुल्क बीज जो है वो उन किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में सुलभ करा सकेंगे। विगत वर्षों में हम लोगों ने यह प्रयास पिछले 3-4 सालों से शुरू किया है, और उसके परिणाम ये आए कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, तो राज्य का जो तिलहन का उत्पादन था वो 12,40,000 मीट्रिक टन के करीब था। हमारे प्रयासों से वो बढ़ करके आज 28,15,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है, और लगभग 120% की वृद्धि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखते हुए आत्मनिर्भर बनाए जाने का उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा है कि हमको देश को सभी मामलों में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाना है, और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के उत्पादन अभी भी हमारे पास कम होती है भारत देश के भीतर, और इस नाते प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का खाने का घरेलू तेल आयात किया जाता है, और इसी तरीके से 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का दलहन जो खरीद कर बाहर से आयात करके आता है। तो इसलिए योगी जी की सरकार ने ये मिनी किट निःशुल्क योजना राज्य स्तर से चलाना शुरू किया,
और उसके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने आपको बताया कि तिलहन के उत्पादन में हम लोगों ने 12,40,000 मेट्रिक टन से बढ़ा करके 28,15,000 मेट्रिक टन किया है, और दलहन का भी उत्पादन लगभग 24,00,000 मेट्रिक टन से बढ़ा करके 32 मिल जाएगा। हैप्पी सीडर सुपर सीडर चलाएंगे तो उसके माध्यम से सीधे रवि की गेहूं की बुआई वो कर सकते हैं। तो यह काम यदि वो करते हैं तो इसमें उनको किसी नुकसान की जगह पर वो फायदा होगा, और इस नाते उस पर वो ध्यान देने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जो इस साल रखा हुआ है उसके भीतर भी हमारे ये पराली वाले यंत्र या फार्मेसी बैंक के हैं, लगभग 29 करोड़ रुपए हम लोग उसके ऊपर अनुदान वितरित कर रहे हैं। और डीकम्पोजर जैसा मैंने बताया कि उसको चाप कट वो पराली जलाने के काम से विरत हुए, यह हमारे ज़मीन की गुणवत्ता को भी ख़त्म कर रही है, और साथ साथ में जो हमारी जो वायु गुणवत्ता है उसको भी प्रदूषित कर रही है, जिससे बीमारियाँ जमीन हमारे खेत की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, और साथ साथ में जो है वो मानव शरीर के लिए भी खासतौर पर सांस रोगों को बढ़ाए जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस नाते जो इन सीटों के माध्यम से हम कृषि यंत्र देते हैं उनका, और एपीओ को बड़ी संख्या में हम लोगों ने प्रदेश के भीतर उपलब्ध कराई है, तो उन कृषि यंत्रों से यदि वो अपने पराली को काटने का, खासतौर पर जो एक्स्ट्रा रिपर लगा करके कंबाइन में चलाए जाने का बाइंडर उसके लिए देते हैं और चाप कटर देते हैं और उनके ऊपर भारी अनुदान दे रहे हैं, तो वो पराली जलाने की जगह पर वो उनका उपयोग करें। और इस साल प्रदेश के लगभग 10 लाख के करीब किसानों को गोजर भी दे रहे हैं, और इसलिए जिले जिले के भीतर फसल अवशेष न जलाई जाए, किसान को जागरूक किया जाए, इसके लिए जागरूकता गोष्ठी भी चल रही है। और उससे आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण के हित में और अपने ज़मीन के गुणवत्ता के दृष्टि से आवश्यक है कि हम पराली को न जलाएं, और इसका आप प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने 21 CV बायो कंप्रेस्ड गैस के प्लांट लगाए जाने के प्रयास किए हैं, और बड़ा प्लांट गोरखपुर के भीतर आई